दोस्तों स्वागत है आपका दाऊ गुप्ता चैनल में। और आज हमारे पास है हीरो ग्लैमर एक्स टैक 125। ये BS7 मॉडल है जो आपके सामने ब्लैक और ग्रे कलर, एक बेस मॉडल है एक टॉप मॉडल है, दोनों ही आपके सामने खड़ी हैं। ये इसका अगर मैं दोस्तों प्राइस बताऊं तो ये आती है 1,07,000 रुपये जो टॉप मॉडल है, और बेस मॉडल आता है 1,05,000 रुपये में। आप इसके ब्रेक देख सकते हो, इसमें डिस्क ब्रेक नहीं है, 130 mm के ड्रम ब्रेक आते हैं। अलॉय व्हील देख सकते हो आप, इसका डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है। ये ब्लैक कलर में बेस मॉडल है और ये इसका टॉप मॉडल है। आप देख सकते हो डिस्क ब्रेक में बाइबर के आपको बाइबर इसमें बाइबर के आपको इसमें डिस्क कैलिपर मिल जाते हैं, 230 mm की डिस्क मिल जाती है जो कि काफ़ी सही है, काफ़ी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी। देख सकते हो ये इंडिकेटर है, नॉन फ्लेक्सिबल इंडिकेटर है हेलोजन बल्ब के साथ। इसके DRL भी काफ़ी खूबसूरत है, पर इस बैटरी में, इस बाइक में बैटरी ना होने की वजह से हम आपको इसके DRL नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये बाइक अभी अभी आई है। ग्लैमर की आप देख सकते हो ये इसके 3D में कुछ लोगो टैंक दोस्तों मेटल में आता है। ये देख सकते हो टॉप मॉडल में भी 3D में ही लिखा हुआ है एक्स टैग ग्लैमर, ग्रे कलर में ही ये है दोस्तों, एक ब्लैक है ग्रे। ये इसका कुछ मीटर कंसोल है, इसमें आपको स्पीडोमीटर, फ्यूल और RPM तो नहीं मिलता अभी, टाइमर, ये इंडिकेटर, हॉर्न, हाई बीम, लो बीम, सेल्फ, और ये i3S का। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। हम 500 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो दोस्तों अपना प्यार जरूर दिखाएं। अच्छे अच्छे व्यू, अच्छे अच्छे और आएंगे जो बाइक के रिव्यू वगैरह हैं। सीट कॉस्टिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, पहले से इसकी बढ़ चुकी है सीट कॉस्टिंग, देख सकते हो। फ्यूल इंजेक्शन से आती थी, ये 125 cc का इंजन, इसमें 10 BHP की टॉर्क और 10.6 N का इसमें टॉर्क दिया जाता है 6,000 RPM पर। FI है इसमें फ्यूल इंजेक्शन, और i3S का लोगो देख सकते हो। ये फाइबर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है ये वाली, ये दोस्तों कोई नहीं बताता पर हम बताते हैं। सारी गाड़ी की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे पाइप लगे हैं भारी से। ये फुट टैप्स आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिल जाती है, बेसिक से आपको इसमें सोकर मिल जाते हैं, पर दोस्तों ये लोहे की वजह पता नहीं उन्होंने क्यों फाइबर के कर दिए, कॉस्ट कटिंग हुआ कुछ। ये आपको ड्राइवर के फुट स्टेप्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी कंफर्ट हैं। ग्रैब रेल आपको, हैंडल ग्रैब रेल काफ़ी अच्छे मिलते हैं पकड़ने के लिए भी, डिजाइन बार भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। LED नहीं मिलते आपको, टेल लाइट आपको हेलोजन बल्ब के साथ मिलते हैं, इंडिकेटर नॉन फ्लेक्सिबल आपको हेलोजन बल्ब के साथ ये मिलते हैं आपको, नंबर प्लेट और रिफ्लेक्टर। ये आपको उसका टायर हगर मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और काफ़ी अच्छा ही सुंदर लग रहा है। आप देख सकते हो काफ़ी भारी भारी पाइप लगे हुए हैं इसमें, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। ट्यूबलेस टायर मिलते हैं आपको, 130 mm के ड्रम ब्रेक के साथ आती है, बेस मॉडल टॉप मॉडल दोनों ही। अलॉय व्हील देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत से हैं, बेसिक से इसमें आपको सस्पेंशन मिलते हैं पीछे वाले। और दोस्तों टॉप मॉडल और बेस मॉडल में दोनों में कुछ फ़र्क है, वो है एग्जॉस्ट का। आप देख सकते हो दोनों एग्जॉस्टों में फ़र्क है, एक जो टॉप मॉडल उसकी थोड़ी बेसी आवाज़ है, थोड़ी बेसी, और जो ये बेस मॉडल है थोड़ा सा नॉर्मल आवाज़ है। ये टॉप मॉडल में थोड़ा बेसी आवाज़ क्योंकि साइलेंसर थोड़ा सा इसका मॉडिफाई किया गया है इस बार, आप देख सकते हो साइलेंसर में थोड़ा फ़र्क है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप देख सकते हो टायर की बात करें, दोनों ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, 130 mm के ब्रेक के साथ दोनों ही आते हैं, दोनों में सोकर सस्पेंशन दोनों सेम है, टेलीस्कोप के सोकर और पीछे के बेसिक से सोकर। 100 nm के टायर मिलते हैं आपको दोनों में ही, ट्यूबलेस रियर टायर, फ्रंट एंड 275/18 का। ये डिस्क का दिया हुआ है पर पीछे बैक में डिस्क तो है नहीं, पता नहीं ये क्यों ही दिया है, अभी कोई नई टेक्नोलॉजी जो हमारी नॉलेज में भी नहीं है। आप देख सकते हो 3D में लिखा हुआ है ग्लैमर, ये स्टिचिंग है दोनों तरफ, पर ब्लैक कलर में काफ़ी अच्छा लग रहा है i3S। और ये जो इसमें दिया हुआ है ना ब्लू, इसके अंदर ही काफ़ी अच्छा लग रहा है, स्पोर्टी लुक सा आ रहा है। FI फ्यूल इंजेक्शन के साथ आती है, और इंजन इसका दो कलर में, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये रियर ब्रेक का इसका पैंडल है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख सकते हो ग्लैमर एक्सटेक 3D में लिखा हुआ है पूरा, स्टिचिंग वगैरह काफ़ी अच्छी की गई है। बाइक आप अगर लेना चाहते हो चांदपुर